गुड इवनिंग कोलकाता, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और अब हमारी बातें होने वाली है आज की सेलेब के साथ। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन समीक्षा भटनागर। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। बहुत सारे किरदार में इनको हमने देखा है। वीरा में हमने एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर में इनको देखा था, महादेव में हमने इनको देखा है और अब कुमकुम भाग्य में भी एक नेगेटिव रोल में नजर आने वाली हैं समीक्षा। समीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करके। कोलकाता में आपके बहुत ज्यादा फैन फॉलोअर्स है, मैं बताना चाहूंगा। हम ये टीवी सीरियल्स लेकर हम करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस की बातें करते हैं, काफी ज्यादा आपके फैन फॉलोअर्स हैं। कोलकाता शहर लेकर क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जानकर कि कोलकाता में मेरे बहुत फैंस हैं एंड थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, आपके थ्रू लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सो या जी, जानना चाहूंगा अभी आपकी एंट्री होने वाली है कुमकुम में, एक नेगेटिव किरदार आप प्ले करने वाली है, इस किरदार के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, कुमकुम भाग्य में मेरा कैरेक्टर का नाम है मिताली, जो शब्बीर की भाभी है एंड शी इज अ वेरी क्लासिक नेगेटिव लेडी, बहुत फुल ऑफ यू नो एटीट्यूड के साथ है, बहुत ग्लैमरस है एंड शी लाइक्स मनी बेसिकली। उसको उसको पैसा मतलब शी वांटेड टू बिकम अ वेरी बिग यू नो। सो जब वो आएगी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूरा फुल ऑन विलन ही प्ले करने वाली है, उसके काफी डिफरेंट शेड्स है। वो कई बार उसके सास के बीच में काफी कॉमिक सीक्वेंसेस हैं जहाँ लोग बहुत कनेक्ट करेंगे और आई होप पीपल विल लाइक इट। सो तो आपने बहुत सारे किरदार आपने निभाए हैं, हमने आपको महादेव में देखा है, हमने आपको वीरा में देखा है, अब नेगेटिव किरदार में देखने वाले हैं। कितना टफ रहता है नेगेटिव किरदार प्ले करना, कितना टफ होता है? एक्चुअली टफ एक एक्टर के लिए मैं समझती हूँ तो मतलब उसको काफी सारे वेरिएशन प्ले करने बहुत जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव प्ले करने में भी उतना ज्यादा यू नो हर तरीके का जितना ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे उतना ज्यादा एक एक्टर ग्रो करता है। तो पॉजिटिव में भी मेरे को जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग वीरा उसमें भी मेरे को लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत कनेक्ट किया उन्होंने मुझसे और बहुत मजा आया। अभी नेगेटिव में ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट नेगेटिव शो है, जब मेरी इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी नियति से मैंने आज स्टार्टेड माय जर्नी इन इंडस्ट्री, तो उसमें भी आई हैड अ ग्रेट कैरेक्टर। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कुमकुम भाग्य क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बालाजी and I'm very fortunate and I'm very fortunate that I've got this opportunity and I think मजा आएगा मुझे करने में। ये तो नहीं बोलूंगी कि डिफिकल्ट है और टफ है, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंट होगा, कुछ और ज्यादा परफॉर्म करने को मिलेगा क्योंकि नेगेटिव में बहुत ज्यादा परफॉर्म करने को मिलता है। बिल्कुल, कभी ऐसा डर लगा? आपने पहले भी नेगेटिव किरदार निभाया है तो कभी ऐसा लगा कि लोग काफी आपको बुरी नजरों से देखेंगे या फिर बोलेंगे कि इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया, ऐसा कभी डर आपको लगा? मुझे नहीं लगता कि आजकल लोग अगर कोई नेगेटिव प्ले करता है तो उसको बहुत बुरी नज़र से देखते हैं कुछ, क्योंकि बेसिकली वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है और उस कैरेक्टर की जो डिमांड है। तो आई थिंक आजकल आप देखेंगे पहले कसौटी में कमौली का शी वॉज वेरी फेमस थोड़ा सा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई एक्टर अपनी परफॉर्मेंस और लोग उसको एक्चुअली हेट करने लगते तो आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस हिट है, दैट मीन्स वो अपने कैरेक्टर को उसके साथ जस्टिस कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से उसको पेश कर रहा है। So I don't think so, I'm sure people will love me in that because it is not about only negative. She will play, you know, the character is all about comics. She will do different variations. So I'm sure people will love it. बिल्कुल, समीक्षा जानना चाहूंगा आपसे, कोलकाता शहर हो या फिर ऑल ओवर इंडिया की बातें करें, अभी इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए कैसे क्या करती हैं? एक्चुअली मैं अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए सबसे पहले तो गर्मियों में स्पेशली मैं मॉर्निंग में बहुत ज्यादा वॉक करती हूँ व्हेनेवर आई गेट टाइम, क्योंकि हमारी शूटिंग के दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम को यू नो एडजस्ट कर पाना, बट मैं आई प्रेफर टू गो मॉर्निंग वॉक। मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, ठंडा ठंडा जूसेस बहुत ज्यादा पीती हूँ और आई थिंक दीज आर द थिंग्स। हाँ, ठंडे क्लोथ को मैं ज्यादा मेन कॉटन क्लोथ में ज्यादा पहनती हूँ और बस इसी से हम ठंडे रहते हैं और दिमाग को पीसफुली रखती हूँ, काम रखती हूँ तो ताकि माइंड ठंडा रहे। बिल्कुल, वैसे बताना चाहूंगा अब इलेक्शन बहुत नजदीक है, कोलकाता में भी इलेक्शन होने वाली है 12 तारीख को, कितना इंपॉर्टेंस रखता है वोट देना, कितना इंपॉर्टेंस है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है वोट देना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, ये है कि करेक्ट वोट होना चाहिए और आपको जो बिलीव आप जिससे बिलीव करते हैं आपको लगता है कि जिसको भी आप वोट देने वाले हैं वो आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेगा,
तो आई थिंक वोट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए. एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पीपल कि आप प्लीज अपना थोड़ा सा समय निकाल के जाएं और वोट जरूर करें, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है. हमारे लिए कोई कोई सही बंदे, कोई कोई सही उम्मीदवार हो तो जीते. बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि कोलकाता के लोग आपकी आवाज़ सुने और हर एक बंदा जो 18 साल का हो चुका है वो ज़रूर वोट दे. और अगर अभी तक वोटर्स कार्ड नहीं बने हैं तो अपना वोटर्स कार्ड पहले बनवा लें, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए. समीक्षा, जाते जाते 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं, उन सभी से क्या कहना चाहेंगी? और कोलकाता शहर में आपने कब कब सोचा है कि कब आप आने वाली हैं? मुझे मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मौका मिले, मैं कोलकाता आऊँगा. अभी तक एक बार भी नहीं आई हूँ कोलकाता, तो मुझे बहुत उम्मीद है. मैं जितनी जल्दी कोशिश करूंगी हो सका मैं आऊँगी, और मैं सबसे मिलना भी चाहूँगी. और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके थ्रू मैं काफ़ी लोगों से, सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं सबसे कहूँगी कि कीप वॉचिंग कुमकुम भाग्य एंड लव मी, लव मिताली, लव ऑल द कैरेक्टर एंड प्लीज बस कीप वॉचिंग. बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप इसी तरह आने वाले दिनों में भी कोलकाता में आए और यहाँ पर आके धूम मचाएं, और आपके नए सीरियल कुमकुम भाग्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अनिमेश. वेल, ये थे हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस समीक्षा भटनागर, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी. 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो.